बंदिश का स्ट्रक्चर पहले देख लेते हैं क्या हो रहा है, बंदिश समझ लेते हैं पहले, देन ही विल ज्वाइन मी और मैं एक्चुअल में बजाऊंगा और एक्सप्लेन करते जाऊंगा। तो अभी ये विलंबित यमन है, यमन की शुरुआत हो गई, मैंने थोड़ा सा अलग किया, वो कितना करूंगा मैं। कहे सखी कैसे कहूँ मन की बात, ये बंदिश है। सुनोगे तो वोकलिस्ट ये गाएंगे, अब मैं मन में वो कह के गाऊंगा। ओके, तो मुखड़ा क्या हो गया, कहे सखी कैसे कहूँ, और फिर वो पूरी लाइन चलेगी, पूरी लाइन खत्म होने के लिए ये तीन ताल का पूरा आवर्तन जाएगा और उसके एंड में वापिस वो मुखड़ा आएगा, सखी कैसे कहूं, ये आते रहेगा बार बार। ठीक है, अभी ये तो अभी एक साइकिल देख लेते हैं तो फिर अंदाजा ज्यादा अच्छा है। जरूरत नहीं होनी चाहिए। आठ, हा, तीन, तीन, ता, ता, तीन, कैसे की कैसे का, एक आया ना, चलते रहेगा। लल आएगा तो फिर मैं कुछ करूंगा उसमें, वो जो कुछ हो रहा है आवर्तन के अंदर उसका हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं, राग की डेवलपमेंट हो रही है, आवर्तन के अंदर कुछ काम करूंगा मैं, सो म्यूजिकल मटेरियल क्रिएट करते रहूंगा। ठीक है, लेकिन वो कैसे करूंगा कि उसका कोई विषय बने, सब मीनिंग निकले उससे, मीनिंग निकलना जरूरी है, और वो बनते 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 मुझे मालूम है कि अब मुखड़ा आने वाला है, मैं उसको एकदम एलिगेंटली खत्म करके मुखड़े में घुस जाऊंगा
और जब मैं मुखड़े में घुस गया तो सब अपने आप आना ही है। सो आर्टिस्ट का पर्पस सम नहीं है, आर्टिस्ट का पर्पस मुखड़ा है। उसको मुखड़ा पकड़ना है, उसको सम नहीं पकड़ना। मुखड़ा हो गया तो मुखड़ा सही जगह में पकड़े, और मेरा काम जो मैं कर रहा हूँ वो अपना जो मेरा विषय लिया है मैंने उसको खत्म कर दिया, जो भी पैटर्न लिया हो कुछ भी लिया हो। सो समझो कि पहले शुरू में मैंने पहले आवर्तन में आलाप शुरू किया, तो पहले कुछ आवर्तन तो आलाप ही चलेगा, सो शुरुआत आलाप से ही होगी, लेकिन आलाप में भी मेरा कोई फोकस होगा। तो पहले आवर्तन में मेरा समझिए आलाप का फोकस है निषाद, मैं करके दिखाऊंगा सर। तो मैं निषाद पूरा आपको दिखा करके वहाँ पे ख़त्म करना है और फिर मुखड़े में। कई बार ये होता है कि आर्टिस्ट वो जो काम कर रहे हैं उसी को मुखड़े में ले जाते हैं, वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। सो पद्मावती इतना चाहने समझाता है, ये मेरा शरीर है, ये मेरा मुखड़ा है, ये गर्दन है, मैं गर्दन निकाल दूँ और मेरा मुखड़ा शरीर पर लगा दूँ तो गड़बड़ हो जाता है। वैसे ही इधर है, मैं जो काम कर रहा हूँ मेरा शरीर है, मुखड़े में जाने से पहले ये विश्राम बीच में, और ये पॉज जो है वो गाने वाले की पेडिग्री दिखाता है कितना कितना अच्छा गाय। तो सब अब जो भी होगा आप सारे स्टाइल्स के गायक इसी बंदिश को गाएंगे, लेकिन मुखड़ा वही है। तो अभी गायक का दर्जा जो है किससे डिफाइन होगा कि वो कितनी आसानी से ये काम करता है और अंदर क्या करता है, अंदर में डेवलपमेंट है। दूसरा फिर एक आवर्तन हो गया, मैंने कहा था आवर्तन ही मेरा डेवलपमेंट का यूनिट बनने वाला है। इस आवर्तन में मैंने जो किया उसका अगले आवर्तन में जो करूँगा उससे संबंध होना चाहिए, नहीं तो फिर स्टोरी नहीं बनेगी। तो ये नाउ इमेजिन द होल थिंग एज अ स्पाइरल, नीचे से निकले हैं शाम से टाइम तो हम कहीं यहाँ पे जा रहे हैं ग्राउंड लेवल पे, एक लेवल पे जा रहे हैं। पहला आवर्तन खत्म हो गया, समाज फिर हमने दूसरे आवर्तन गए, तो दूसरे आवर्तन में जो काम करूंगा उसके पहले आवर्तन में जो हुआ उससे कुछ नाता है, उसको आगे लेके गया, आगे लेके गया। या तो फिर अगर मेरा समाधान नहीं हुआ है तो मैं उसी विषय को कंटिन्यू भी कर सकता हूँ। फिर दूसरा आवर्तन एक लेवल ऊपर, दूसरा स्पाइरल है ऊपर चला गया, फिर दूसरा आवर्तन चल रहा है, दूसरा आवर्तन फिर ऊपर जा रहा हूँ, धीरे धीरे करके स्टोरी ऐसे ऊपर काम ऐसे हो रहा है। ये कर करके मेरे को स्टोरी बनेगी। एक टाइम ऐसा आएगा कि मैं ऊपर की सांप में पहुंचूंगा, फिर वहां पे मेरा अंतरा आ जाएगा। अंतरा स्थाई और अंतरा दो भाग है बंदिश में, स्थाई आपको नीचे में अंतरा सारा ऊपर का साथ दिखाता, फिर मैं उस टाइम पे ऊपर के साथ के आसपास राग कैसे है वो दिखाऊंगा और फिर नीचे आ जाऊंगा। ये मेरा विलंबित का पहला पार्ट, उसके बाद क्या होता है हम रुक के देखेंगे, अभी हम लोग ये करेंगे। जब तक ऊपर साथ तक नहीं जाते हैं अंतरा नहीं होता है, हाँ तक डेवलप कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। लेकिन जयपुर एक जयपुर वाले एक ट्रेडिशन ऐसे रही है कि शुरू में वो पूरा स्थाई और अंतरा एक बार गा लेते हैं और आपको कंपाउंड दिखा देते हैं और फिर नीचे जाकर के काम स्टार्ट। आपने भीमसेन जी का सुना, वो बिल्कुल उड़ता है, वो तो पहला पूरा बंदिश भी कभी नहीं दिखाते हैं। सो ये एक एक स्टाइल है, उसके ऊपर फिर बाद में बात है। तो ये है, अंतरा आएगा, अंतरा मैं डेवलप करूंगा, फिर नीचे आऊंगा, और फिर मैं जब तक अंतरे में पहुंचा हूँ मेरा आलाप, आप हमने कल देखा है ऊपर में आलाप नहीं होगा, धीरे धीरे मेरा म्यूजिकल मटेरियल बदलते जाए, आलाप से आगे बढ़ना है। और आलाप से आगे क्या वो इस टाइम पे देखेंगे आप, ठीक है। तो अभी ये हम लोग शुरू करेंगे। तो मैं अभी शुरुआत का जो राग दर्शक आलाप है वो कर लिया मैंने, अभी मैं बंदिश से शुरू करूँगा। तो आप भी ना उसको अभी कह सकी करना है, आपको आपको गाना है देखेगा तो शुरू करते, ठीक है।
थे, मैं तो बोलता हूँ 14 के नहीं आप। स्ट्रक्चर सही रख वाले को ये है ना साथ में बजाता है, संगत बोलते हैं, संगत कर रहा है, हमारे पीछे नहीं बजा रहा है, हमारे आगे नहीं बजा रहा है, तो उसको अगर मेरी ये लय के साथ का जो ढोल चल रहा है उसको पकड़ना है, वो जो है उसको ठेका हो, वो पकड़ के बेच के सब भर के भरेगा, दिन आज देगा एक एक अभी, और फिर वो मेट्रोनॉमिक नहीं रहेगा, वो ऐसे एकदम से फ्लेक्सिबल हो जाएगा, तभी वो फ्रीडम आता है। मेन आर्टिस्ट को रिस्पॉन्ड करेगा तब, उसके भाव से अपना तीन लय का भाव मिल रहा है, तीन हाँ